हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल में स्वागत है। मैं हूं आपकी उषा। आज हम चटपटा काजू बिस्किट आसान तरीके से कैसे बनाते हैं, चलिए देखते हैं। काजू बिस्किट बनाने के लिए पहले एक बर्तन में एक कप गेहूं का आटा, एक कप मैदा डालेंगे। मैंने यहाँ आटा और मैदा दोनों डाला है। अगर आप चाहे तो खाली मैदा से भी बना सकते हैं। अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक, आधा छोटी चम्मच अजवाइन, आधा छोटी चम्मच कलौंजी, एक चौथाई चम्मच खाने का सोडा डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद 2 टेबल स्पून तेल डालकर फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम थोड़े से आटे को लेकर इस तरह दबाएंगे तो ये इकट्ठा होना चाहिए। देखिए, हमारा आटा खुल नहीं रहा है, यानी हमारा आटा एकदम परफेक्ट है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक डो तैयार कर लेंगे। देखिए दोस्तों, हमने आटे का डो तैयार कर लिया है। ना ज़्यादा हार्ड होना चाहिए और ना ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए। अब हम इसे ढककर 20 मिनट के लिए भीगने के लिए छोड़ देंगे। 20 मिनट के बाद इसके बड़े साइज़ की लोइयां बना लेंगे। इसे दो हिस्सों में बांट लेंगे इस तरह। अब हम एक लोई को लेकर इसे मोटी रोटी की तरह बेल लेंगे। देखिए दोस्तों, हमारे रोटी का थिकनेस इस तरह होना चाहिए। अब आप एक बॉटल का कैप लेकर उसकी सहायता से इसे काजू के शेप में कट कर लें। ये देखिए, इस तरह कट कर लें। कितना प्यारा लग रहा है काजू के शेप में। इसी तरह हम पूरे को कट कर लेंगे। देखिए दोस्तों, हमारे कटे हुए बिस्किट तैयार हो गए हैं। अब हम इसे तलने के लिए गैस पर पैन में तेल डालकर तेल को गरम करेंगे। देखिए दोस्तों, हमारा तेल हल्का गरम हो गया है। तेल को ज़्यादा गरम ना करें। अब हम इसमें कटे हुए बिस्किट को डाल देंगे। इसे लो फ्लेम पर ही तले ताकि ये अंदर से भी अच्छे से पक कर ऊपर से अच्छा गोल्डन कलर आए। देखिए दोस्तों, आधे मिनट के बाद इसे इस तरह दोनों तरफ से मिक्स करें। दोस्तों, इसे लो फ्लेम पर कंटिन्यूसली चलाते हुए क्रिस्पी होने तक इसे तल लें। देखिए दोस्तों, हमारा बिस्किट अंदर से अच्छे से पककर लाइट गोल्डन कलर आ गया है। अब हम इसे एक बाउल में ले लेंगे। देखिए, हमने इसे एक बाउल में ले लिया है। अब हम इसी तरह बाकी के बिस्किट को भी तल लेंगे। दोस्तों, बिस्किट को निकालने के तुरंत ही इसमें थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा पीसी हुई शक्कर डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए हमारा बिस्किट कितना खस्ता बना है। देखिए दोस्तों, हमारा चटपटा काजू बिस्किट बनकर तैयार हो गया है। आप इसे बच्चों के स्नैक्स में और चाय के साथ भी सर्व कर सकते हैं। यदि आपको ये रेसिपी पसंद आए तो आप भी इसे जरूर ट्राई करें और हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें।